हेलो बच्चों, जे मेन 2023 का क्वेश्चन है 25 जैन सेकंड शिफ्ट का। अ पैरेलल प्लेट ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज प्लेट एरिया 40 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड प्लेट सेपरेशन 2 mm। द स्पेस बिटवीन द प्लेट्स इज फिल्ड विद अ डायलैक्ट्रिक मीडियम ऑफ अ थिकनेस 1 mm। मतलब ये पार्शियली फिल किया गया, कम्प्लीटली फिल नहीं किया गया है। द डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट 5। द कैपेसिटेंस ऑफ द सिस्टम इज, कैपेसिटेंस पूछ रहा है बट एप्सिलॉन नॉट के टर्म में पूछ रहा है। तो कि यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है उसके अकॉर्डिंग कि हम लोग के पास इस टाइप का प्लेट है और प्लेट सेपरेशन 2 mm है, ये पूरा 2 mm है, ठीक है। बट इसका जो मतलब आधा मतलब 1 mm, 1 mm में एक डायलैक्ट्रिक डाल दिया गया और उस डायलैक्ट्रिक का डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, 5 है। मतलब पार्शियली फील रखा गया और बाकी आधे में क्या है, एयर है, ओके। तो पार्शियली फील के लिए कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस टी प्लस टी बाई के, ठीक है। यहाँ पर टी होता है थिकनेस ऑफ स्लैब, थिकनेस ऑफ स्लैब कितना है 1 mm, तो डी टी की जगह पर आप 1 mm पुट करेंगे और एरिया 40 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो एरिया यहाँ पर 40 सेंटीमीटर स्क्वायर है बच्चों, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये 10^-4 लिखना पड़ता है। तो 40 × 10^-4 इंटू एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई डी, तो डी मतलब यहाँ पूरा डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, दैट इज 2 mm माइनस 1 mm, ठीक है, प्लस 1 mm बाई 5। तो अब यहाँ से देखिए कैलकुलेशन करना स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो ये 40 × 10^-4 था, तो ये 4 × 10^-3 हो जाएगा, ओके। और इधर से ये एप्सिलॉन नॉट तो रहेगा ही, यहाँ से mm कॉमन कर लेंगे क्योंकि देखो मिलीमीटर सभी में है, तो मिलीमीटर आप कॉमन कर लीजिए, तो 10^-3 कॉमन कर लीजिए। तो यहाँ पर और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 − 1 दैट इज़ 1 रहेगा, ओके। और यहाँ पर ये 1/5 होगा जिसको हम 0.2 लिख सकते हैं। तो ये 10^-3 − 3 कैंसिल हो जाएगा, तो 4 एप्सिलॉन नॉट अपॉन 1.2 हुआ, ओके। अब इसको मैं 4 एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई मैं लिख सकता हूँ 0.1.2 को 12/10, तो ये 10 आ जाएगा न्यूमरेटर में, ठीक है, और ये 3 से कैंसिल होगा और 10 आ गया न्यूमरेटर में और 3 से कैंसिल हो गया यहाँ पर 3, तो 10 εr/3 फेराड इतना कैपेसिटेंस मिलेगा हम लोगों को, है ना, ये कैपेसिटेंस हो जाएगा। तो 10 by 3 εr/ फेराड, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट आंसर।